सरकार की ये कहने की कि उन्होंने 4.5 लाख लोग जो है उनको जॉब दे दी है, उनको रोजगार दिया है, तो ये बताइए फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारा भी क्वेश्चन है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, और हमारा आपसे ये कहना है कि आप इस चीज़ को दिखाइए कि जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हो कि इतनों को हमने रोजगार दिया है उसमें हमारा भी नाम शामिल है, पर हम कहाँ हैं? तो हम चाहते हैं कि जो हम प्रताड़ना झेल रहे हैं सरकार उसको देखे कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, हमारा आगे का भविष्य इसी चीज़ पे टिका हुआ है, तो हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, क्योंकि एक सब्र की सीमा होती है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इसके आगे अपने प्रोटेस्ट का तरीका बदलेंगे, हम हमारे अनशन भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। मैडम, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम लोग लगा कि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन अब पता चला ट्रेनिंग करके घर पे बैठना बहुत हार्ड है। हम लोग पिछले 15 महीने से बैठे हैं, हमने 2 साथियों खो दिया इस दौरान, इसके साथ ही हम लोग आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, इसके पहले भी मैं एक जॉब कर रही थी, मैं जॉब छोड़ के आई हूँ, और इसी जॉब में होते हुए भी मेरी दूसरी जॉब के लिए भी हुआ था प्रोसेस, और मैं वो जॉब इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मेरा इसका प्रोसेस चल रहा था। तो 3-3 जॉब में हो के भी मैं काफ़ी समय से बेरोजगार हूँ। समाज में हर तरह की चीज़ें झेलनी पड़ रही है, लोग कहते हैं पता नहीं इनका सिलेक्शन भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो शायद ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हो गया है। एक्चुअली में ये भर्ती 2016 की, हम लोग 2016 में विज्ञापन आया और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट आया 28 फरवरी 2019 को, उसके बाद हम लोगों ने 1 साल की ट्रेनिंग की। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद गवर्नमेंट ने हमको घर भेज दिया ये बोल करके कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आपका लंबित है। सबसे मेन बात यह है कि ये भर्ती 2016 की आवाज़ भी कम से कम 5 से 5.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक भर्ती नहीं क्लियर पाई, और इसी तरीके से सरकार में जितनी भर्तियां होती हैं आप देखेंगे कि कम से कम वो 4 से 5 साल खींचती है। तो सबसे मेन चीज़ तो सरकार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी इतना परेशान रहते हैं और बहुत गरीब तबके से आते हैं ये बच्चे, जितने भी ग्रुप सी या ग्रुप बी जितनी वैकेंसी आती है इसमें सब गरीब बच्चे ही होते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े घरानों से नहीं होते हैं, एक मिडिल क्लास से ही बच्चे होते हैं। सरकार कहती है कि उसने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन ये सरकार ये नहीं बताती कि उसने कितने युवाओं की नौकरियाँ छीन ली है और कितने युवाओं की नियुक्तियाँ उसने रोक रखी हैं। ऐसे ही कुछ युवा जिनकी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं वो इको गार्डन पे धरना कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, समस्या हमारी ये है कि हमने UPSI 2016 का फॉर्म भरा था, फिर उसके बाद हमारा जो भी प्रोसीजर होता है एक दरोगा के लिए वो सारे प्रोसीजर हम लोगों ने कम्प्लीट किए। 1 साल की हमारी जो कठिन ट्रेनिंग होती है वो भी हमने कम्प्लीट की। उसके बाद से जो हम डिज़र्विंग थे कि हमें हमारी नियुक्ति मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, वो हमें बताया गया कि आपका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उसको बता के हमें घर भेज दिया गया। तो अब समस्या ये है कि जब हम डिज़र्विंग हैं इस चीज़ के लिए, हमें हमारी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिल रही है? और रही बात सरकार की ये कहने की कि उन्होंने 4.5 लाख लोग जो है उनको जॉब दे दी है, उनको रोज़गार दिया है, तो ये बताइए फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारा भी क्वेश्चन है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, और हमारा आपसे ये कहना है कि आप इस चीज़ को दिखाइए कि जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हो कि इतनों को हमने रोज़गार दिया है उसमें हमारा भी नाम शामिल है, पर हम कहाँ हैं? अभी हम लोग 2016 से लेकर 2021 आ गया, 5 साल का ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोग की नियुक्ति नहीं मिली और नई वैकेंसी भी आ गई है। अभी पिछले 3307 जो दोगा भर्ती का था 2016 का वो पूरी नहीं हुई और 2021 का नया भर्ती का आ गया है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि अगले महीने एग्जाम भी होने वाला है और पहले का भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो सरकार को सबसे पहले पुरानी भर्तियों को साफ़ करना चाहिए, उसके बाद नई भर्तियाँ कराना चाहिए। मैडम, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम लोग लगा कि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन अब पता चला ट्रेनिंग करके घर पे बैठना बहुत हार्ड है। हम लोग पिछले 15 महीने से बैठे हैं, हमने 2 साथियों खो दिया इस दौरान, इसके साथ ही हम लोग आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे कई भाई थे जो पहले किसी नौकरी में थे, कई पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते थे, कोई CSF में, SSB में, ITBP में था, वो लोग वहाँ की नौकरी छोड़ के आके उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन कर लिए। उनका लीन पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे पुरानी नौकरी में तो उनको NOC लेनी होगी विभाग से, इसके लिए 5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम लोग को सैलरी ट्रेनिंग में भी नहीं मिली, 3500 मिलता था, और 1.5 साल से घर बैठे हैं, तो 2.5 साल से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, तो कोई 5 लाख रुपये दे के नौकरी में कैसे जा सकता है? हमारी कई बहनें हैं जो किसी नौकरी में थी, नौकरी छोड़ के आई, ट्रेनिंग के टाइम पर उनको नौकरी का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वहाँ भी नहीं ज्वाइन किया, तो वो कहीं नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। दौरान UPSI की ट्रेनिंग के दौरान मेरा कांस्टेबल में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, और मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं SI की ट्रेनिंग में थी। जब मेरी SI की ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके बाद मैंने कुछ समय वेट किया कि शायद ऑर्डर 1-2 महीने में आ जाए।
उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब ये जॉब तो पेंडिंग हो रही है तो मैं अपनी कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर लूँ, तो मुझसे कहा गया कि आपने तो वेरिफिकेशन करा लिया था लेकिन अगर आप किसी अदर जॉब में भी हो जाते हैं तब भी आप अगर आप ट्रेनिंग दूसरी जॉब की कर रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन रद्द हो जाता है, तो आप इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, इसके पहले भी मैं एक जॉब कर रही थी, मैं जॉब छोड़ के आई हूँ और इसी जॉब में होते हुए भी मेरी दूसरी जॉब के लिए भी हुआ था प्रोसेस और मैं वो जॉब इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मेरा इसका प्रोसेस चल रहा था। तो 3-3 जॉब में हो के भी मैं काफ़ी समय से बेरोजगार हूँ, समाज में हर तरह की चीज़ें झेलनी पड़ रही है, लोग कहते हैं पता नहीं इनका सिलेक्शन भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो शायद ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो हम प्रताड़ना झेल रहे हैं सरकार उसको देखे कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, हमारा आगे का भविष्य इसी चीज़ पे टिका हुआ है तो हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, क्योंकि एक सब्र की सीमा होती है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इसके आगे अपने प्रोटेस्ट का तरीका बदलेंगे, हम अमर अनशन भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। 17 में हम लोग का एग्जाम हुआ, 18 में दौर और DVPST हुआ, 19 में हम लोग का रिजल्ट आया जिसमें मेडिकल हुआ, उसके बाद जून 2019 से लेकर जून 2020 तक हम लोग की ट्रेनिंग कराई गई मेरठ, मुरादाबाद, सीतापुर, उन्नाव, इसमें फायर भी थे, सिविल के भी थे और PSC के भी थे। 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जबकि हम लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो बिना बताए हम लोग घर भेज दिया गया। 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद पिछले 15 महीने से हम लोग घरों पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मामला चूँकि उच्चतम न्यायालय में था, 5 फरवरी 2021 को हम लोग का ऑर्डर रिजल्ट हो गया और पिछले 8 महीने से हम लोग का ऑर्डर नहीं आया। हम भर्ती बोर्ड से और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर लाने के लिए कार्रवाई करें और हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ करें। हम लोग को अभी ग्राउंड में होना चाहिए था ड्यूटी करते वक्त, न कि धरना स्थल पर होना चाहिए था। एक्चुअली में ये भर्ती 2016 की, हम लोग 2016 में विज्ञापन आया और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट आया 28 फरवरी 2019 को, उसके बाद हम लोगों ने 1 साल की ट्रेनिंग की। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद गवर्नमेंट ने हमको घर भेज दिया ये बोल करके कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आपका लंबित है। सबसे मेन बात यह है कि ये भर्ती 2016 की आवाज़ कम से कम 5 से 5.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक भर्ती नहीं क्लियर पाई, और इसी तरीके से सरकार में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं आप देखेंगे कि कम से कम वो 4 से 5 साल खींचती हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो सरकार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी इतना परेशान रहते हैं और बहुत गरीब तबके से आते हैं ये बच्चे, जितने भी ग्रुप सी या ग्रुप बी जितनी वैकेंसी आती है इसमें सब गरीब बच्चे ही होते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े घरानों से नहीं होते हैं, एक मिडिल क्लास से ही बच्चे होते हैं। इसका मामला ये है कि 2016 में 3307 पदों की भर्ती आती है और प्रक्रिया के तहत एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, सब प्रक्रिया के तहत 2486 फाइनली सेलेक्ट होते हैं लड़के जिनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है जून 2019 से जून 2020 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, 20 तक ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग के जस्ट फिनिश होने पर हम लोग को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए और किसी कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मैटर होने की वजह से हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है और तब से लेकर के जून 2020 से लेकर के और आज अक्टूबर आने वाला 16 महीने होने को हैं, 16 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं। हम लोग की ज्वाइनिंग के लिए गवर्नमेंट कोई प्रयास नहीं कर रही है, हम लोग यहाँ धरने पे 32 दिनों से बैठे हुए हैं तब भी कोई सुनवाई मेरी करने वाला यहाँ पर नहीं है और कब क्या होगा कैसे क्या होगा कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, परेशान होकर हर तरीके से समस्याओं से झेल रहे हैं। प्रक्रिया का पार्ट 5 साल से बने रहना, एक उम्मीद जगे रहना, उसके बाद भी ज्वाइनिंग ना होना तो उस तरीके जो लोग हम सहन कर रहे हैं वो हम ही लोग जान सकते हैं। लेकिन हम 5 साल से ये एफर्ट कर रहे हैं, इनको ये भर्ती दिखाई नहीं दे रही, थानों पे चिल्ला ये नहीं दरोगा कम है, दरोगा कम है तो हम लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए, इतने दिन से क्यों कोर्ट में थोड़ा एफर्ट करे, जल्दी से हम लोग का ऑर्डर डिलीवर कराए, 8 महीने से चल रहा है, उस ऑर्डर डिलीवर के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग कराए। हम लोग भी चाहते हैं फील्ड पे जाके समाज सेवा करें जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। सरकार अपना आंकड़ा पेश करती है पुरानी वैकेंसियों को लेके और जो है पुरानी सरकार जो नियुक्ति दी है और अपना इस सरकार की नियुक्ति, वो सरकार का आंकड़ा हमसे आंकड़े से कोई मतलब नहीं, हमें अपनी भर्ती से मतलब है। समस्या ये है कि हमारी जो है 1 साल की जो है ट्रेनिंग कराने के बाद सरकार जो है हमें घर भेज दी और जिससे कोई ऑर्डर नहीं था कि हमें जो है नियुक्ति ना दिया जाए, और कुछ भाइयों ने हमारे जैसे अग्निशमन के जो फायर अधिकारी थे उन्होंने बीच में जब इनकी ज़रूरत हुई उन्हें 3 महीने के लिए बुला लिए,
मतलब अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो उस समय कोई इनके देनदारी नहीं थी, ना इनके पास कोई जियो था कि हमें कितना देना है। अगर बाई चांस हमारे कुछ भाइयों को उस समय कोरोना के समय मृत्यु हो जाती तो मात्र उनको 3500 रुपया दिया गया है, 3500 रुपया वो भी 3 महीने दिया। अब बताइए ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब मन का है बुला लीजिए, 3500 रुपया दे दीजिए, और नियुक्ति की बात आती है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोला है। मतलब जब सरकार की ज़रूरत हो तो हमें बुला ले, अगर नहीं ज़रूरत है तो हमें ना बुलाएं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ रही तो हमें बुला लो, हमें समझ लिए लेबर कि हमें ज़रूरत है खेत कटाई तो हमें बुला लिए। उस समय कोरोना काल था, इनकी समस्या थी, इनकी बुराई हो रही थी तो हमें बुला लिए, 3500 रुपया हमारे भाइयों को दे दिए 3 महीने का, उसके बाद इनको भगा दिए। अगर मान लो आप बुलाए थे, 3500 पे नियुक्ति कर रहे थे तो आप रेगुलर रखे होते उनको, आप क्यों भगा दिए? ये जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं इनकी सोच जाती है बदल। पहले तो ये गरीब परिवार से आते हैं, उसके बाद इन्होंने हाई फाई अपना जो है रेस्टोरेंट पे रहते हैं, इनकी जाती है सोच बदल। और ये क्या करते हैं, जैसे ग्रुप सी की वैकेंसियाँ होती है और इसमें गरीब बच्चे ज़्यादातर आते हैं, इन्हें बलगराने की कोशिश करते हैं। ग्रुप सी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में हो, आप देख लीजिए कभी भी वो 5 साल से पहले क्लियर नहीं होती है।